हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट टिप्स मैच प्रेडिक्शन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। तो क्या जबरदस्त मैच हुआ इंडिया के लिए। बात करें श्रीलंका की तो इससे ज्यादा खराब मैच उनके लिए नहीं होगा। 263 रनों का लक्ष्य भारत ने 15 ओवर पहले ही चेस कर लिया। जी हाँ, इतना ज्यादा डोमिनेंस शो करना यही दिखाता है कि इंडियन टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। बात करें हम अपने दिन की तो हमने एक बार फिर से प्रॉफिट बुक करा, बहुत ही अच्छा दिन रहा। और कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट मैच में भी आपको जो ट्रेड दूँ उसमें आपके दिन को बनाऊँ प्रॉफिटेबल। तो जो अगला मैच है वो है 20 जुलाई को, और देखते हैं कि कैसे हम अपना ट्रेड बनाएं और एक बार फिर से अपने दिन को प्रॉफिटेबल बनाएं। तो आइए चलते हैं हम सेकेंड ODI की टिप नंबर 1 की तरफ, पृथ्वी शॉ। जी हाँ, प्लेयर परफॉर्मेंस इनकी बैक करना तो बनता ही है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि पृथ्वी शॉ एक शानदार जो है बैट्समैन है और फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो 42 प्लस की रहेगी इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस और 1.83 ऑड्स हैं, और टोटल मुनाफा जो मिल रहा है मुझे डबल स्टेट लगाने के बाद वो है 1666 का। तो आप ज़रूर बैक करें पृथ्वी शॉ को कि वो 42 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस मैच की टिप नंबर 2 की तरफ। लास्ट मैच में ये जो बैट है वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो पाई क्योंकि रन कम थे और शिखर धवन जो है वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए। थोड़ा सा जो है अगर स्कोर ज़्यादा होता लंका का तो ये बैट भी मेरी प्रॉफिटेबल साबित होती। तो इस मैच मैंने बैक करा है कि कोई ना कोई प्लेयर होगा इस मैच में जो कि शतक मारने में कामयाब हो जाएगा। 1.90 ऑड्स हैं, जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। 1818। अगर हम बात करें इंडियन टीम की तो टॉप 6 में से जो एबिलिटी है कोई भी प्लेयर जो है वो शतक मार सकता है काफ़ी आसानी के साथ इस श्रीलंकन अटैक के सामने। तो आप ज़रूर बैक करें कि कोई ना कोई प्लेयर होगा, चाहे वो इंडिया का प्लेयर हो चाहे वो श्रीलंका के प्लेयर हो, क्योंकि श्रीलंका के काफ़ी कम चांसेस हैं कि उनका कोई प्लेयर शतक मारे, लेकिन आपके पास एक चांस है। लेकिन इंडियन टीम में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है तो ये बैट मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट भी देती है। तो आइए चलते हैं इस मैच की टिप नंबर 3 की तरफ। शिखर धवन को तो आप कैसे साइड कर सकते हैं, इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इनकी भी मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक कराया है 47 प्लस की 1.83 ऑड्स पर। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेयर हैं, और बात करें इनकी परफॉर्मेंस की तो बहुत ही शानदार रही पहले ODI में, और इस मैच में भी मैंने बैक कराया कि शिखर धवन जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना खेल दिखाएंगे और 47 प्लस काफ़ी आसानी के साथ क्रॉस कर जाएंगे 1.83 ऑड्स पर। डबल स्टेक है, टोटल मुनाफा 1666 का है। एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं प्लेयर परफॉर्मेंस के लिए। अगर शिखर धवन एक रन मारेंगे इन्हें मिल जाएगा 1 पॉइंट, एक कैच पकड़ लेंगे इन्हें मिल जाएंगे 10 पॉइंट, और अगर ये एक विकेट ले लें, वैसे गेंदबाजी नहीं करते, अगर कोई बॉलर एक विकेट ले ले तो उसे मिल जाएंगे पूरे 20 पॉइंट। तो ये तरीका होता है पॉइंट्स कैलकुलेट करने का। तो आइए चलते हैं इस मैच की टिप नंबर 4 की तरफ। हसारंगा की मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक करा है 37 प्लस की 1.83 ऑड्स पर। बात करें हसारंगा की तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मुझे प्लेयर लगते हैं, क्योंकि अभी तक जो है इनको चांसेस जो हैं इतने ज़्यादा नहीं मिले ऊपरी स्थानों पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन गेंद के साथ भी पूरे ओवर डालते हैं, बल्ले के साथ भी काफ़ी अच्छा खेल दिखा चुके हैं इंग्लैंड में। तो इनकी मैंने परफॉर्मेंस को बैक करा है 38 प्लस की 1.83 ऑड्स पर। टोटल मुनाफा है 1666 का। तो आप ज़रूर बैक करें हसारंगा को। तो आइए चलते हैं इस मैच की लास्ट यानी कि टिप नंबर 5 की तरफ। भुवनेश्वर कुमार इस मैच में 2 विकेट तो ले ही जाएंगे 1.80 ऑड्स पर। बहुत ही शानदार ये बैट है। भुवनेश्वर कुमार काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और काबिलियत सब जानते हैं कि कितनी शानदार इनकी काबिलियत है। डबल स्टेक है और टोटल मुनाफा है पूरे 1600 रुपये का। तो आप ज़रूर बैक करें भुवनेश्वर कुमार को। तो ये 5 टिप्स मैंने आपके लिए रिकमेंड करी हैं, और आपको कहाँ पे जाके स्टेक लगाना है bet365.com पर। इसी वीडियो के जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के ही नीचे जब आप देखेंगे तो एक लिंक होगा यानी कि bet365 का लिंक, उस लिंक को आप करिए टैप और आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे bet365 की वेबसाइट पर। जो पहली बार आते हैं वेबसाइट पर उन्हें मिलता है वेलकम बोनस भी। तो देर मत करिए, जाइए और करिए खेलना शुरू। और क्रिकेट टिप्स मैच प्रेडिक्शन जो चैनल है इसको
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन जो होती है उसको आप टैप तो जरूर करिए, तभी आपको पता लगेगा कि मैंने चैनल पर कब और कौन सी वीडियो अपलोड करी है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, मैचेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।